और ट्रेड्स और श्रीकांत में आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही जोरदार साबित होता हुआ दिखाई दिया है इसमें। आरबीएल बैंक, बैंकों में ये भी स्टॉक जो अपनी चाल को मजबूत करने में लगा है, 2.5% ऊपर, कुछ शॉर्ट की पोजीशंस कवर होती हुई दिखाई दी है। नए ट्रेड लेने के फेवर में है क्या आप? 188 डे हाई, 186 कैश में इस समय। बिल्कुल, तो देखिए हर्षदा, अगर आरबीएल बैंक के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर आप देखते हो तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट ये स्टॉक 100 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था सितंबर में, जब मार्केट में एक हमने अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखा था, और उस सेल ऑफ के बाद जब मार्केट उभरा तब कई सारे बैंक स्टॉक्स निकले ऊपर, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अगर परफॉर्मेंस देखे तो उसमें एक वी शेप रिकवरी बनी है, और अगर 80-85% परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर स्टॉक्स में अगर कंसिस्टेंसी अगर दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि जो इसका वी शेप फॉर्मेशन है उसकी जो एंड लिमिट जो आती है वो आ रही है तकरीबन अराउंड 220-225 के करीब, और ऐसे फॉर्मेशन में हमेशा जो लास्ट लेग होता है ऑफ द रैली वो काफी स्ट्रांग होता है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से भी बिल्कुल इससे लॉन्ग करके चल सकते हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस उसमें थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 2 या 3 दिन पहले के लोवेस्ट लेवल्स का, 178 का स्टॉप लॉस रखें, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए और टारगेट्स यहाँ पे रखें 200 और 210। 200-210 के टारगेट के लिए एक मौका आरबीएल बैंक में, थोड़ा सा लंबा ट्रेड खींचेगा उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और?